अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ई रोज़गार प्रोग्राम के बारे में, ठीक है। तो ये एक पंजाब का प्रोग्राम है, जिस तरीके से नेफटेक जो है पूरे पाकिस्तान का एक प्रोग्राम था, उसके बारे में मैं काफ़ी वीडियोज़ बनाई हुई है और बैच 4 भी उसका आने वाला है। लेकिन ये सिर्फ ई रोज़गार प्रोग्राम जो है वो सिर्फ पंजाब वालों के लिए, यानी कि पंजाब के सूबे में, यानी कि जो पंजाब का डोमिसाइल रखता है, सिर्फ ये उसी को मिलेगा, ठीक है। तो ये प्रोग्राम इस तरीके से मैंने लास्ट टाइम भी एक कोर्स में अप्लाई किया था, ठीक है, तो मेरी सिलेक्शन नहीं हो पाई थी। क्यों? क्योंकि मैं सिंध से बिलोंग करता हूँ, कराची से, ठीक है। तो ये सिर्फ पंजाब वालों के लिए है, ठीक है। तो मैंने लास्ट टाइम अप्लाई किया था, इनका सारा रिकॉर्ड जो है, यानी कि मेरा जो सारा रिकॉर्ड है वो इनके पास मौजूद है, ठीक है। तो इन्होंने ईमेल दोबारा फॉरवर्ड की है सबको, जिन लोगों ने लास्ट टाइम रजिस्ट्रेशन की थी, तो ये मेरे पास भी ईमेल आ गई है। अब ये दोबारा बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। मैं आप लोगों का ईमेल दिखा दूँ, जूम कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मुझे ईमेल आई है, ठीक है। ई रोज़गार प्रोग्राम इज़ ऑफरिंग फ्री ऑनलाइन ट्रेनिंग। तो ये है क्या? डीजे स्किल्स हो गए, सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको फ्री कोर्सेज दे रहे होते हैं। इस तरीके से ये ई रोज़गार के नाम से पंजाब का एक प्रोग्राम है, ट्रेनिंग प्रोग्राम इज़ फ्री ऑनलाइन ट्रेनिंग। ये आप लोगों को ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने मैंशन किया हुआ है ऑनलाइन ट्रेनिंग, तो नीचे इन्होंने मैंशन किया हुआ है कि फिजिकल क्लासेज भी होती हैं, ठीक है। तो ये जो पंजाब बना था वही ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। तो मैं आप लोगों को दिखा दूँ अभी क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, फ्री ऑनलाइन ट्रेनिंग, ठीक है। और एडमिशन फॉर द नेक्स्ट बैच आर ओपन, ठीक है। एडमिशन जो है वो खुल चुके हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। किस तरीके से लिंक दिया गया है, इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोगों को दे दूंगा, आप जाके चेक कर लीजिए, ठीक है। चेक योर रजिस्ट्रेशन ईमेल लॉगिन इन योर पोर्टल, ठीक है। अगर आप लोगों ने लास्ट टाइम लॉगिन किया था तो आप सिर्फ इस लिंक पर जाना है, और अगर आप लोग फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं तो उसका भी लिंक है, वो मैं आप लोगों को भी आगे वीडियो में जाके बताऊँगा, ठीक है। चेंज योर ट्रेनिंग डिटेल्स, अटैम्प टू टेस्ट कंप्लीट एप्लीकेशन, ठीक है। सारे स्टेप दिए गए हैं, आपने इस तरीके से अप्लाई करना है, ठीक है। कोर्सेज देख लेते हैं यहाँ पर हम लोग। अगर आप कोर्सेज की बात करें तो आप देख सकते हैं, तो टेक्निकल वेब डेवलपमेंट, ठीक है, इसके अंदर पाइथन, पीएचपी वगैरह सारे कोर्सेज आ रहे हैं यहाँ पर। उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस की टाइमिंग वगैरह दी हुई, आप देख सकते हैं 10 AM से लेकर 12 PM तक क्लासेस है, ठीक है। यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग काफ़ी चल रही है आज के लिए, ठीक है। आप देख रहे होंगे VFX यूट्यूब पर भी और फेसबुक पर भी, ठीक है। मोबाइल वेब डेवलपमेंट, ठीक है, वो वेब डेवलपमेंट है, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट है, ठीक है। तो अब इसमें है चौथा कोर्सेज जो है वो डिजिटल है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये भी काफ़ी पॉपुलर कोर्स चल रहा है, ठीक है। ये दिया हुआ है कंटेंट मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, ये भी बहुत एडवांस कोर्स है। ई कॉमर्स ऑनलाइन सेल, ये भी बहुत एडवांस। और क्रिएटिव डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग इसमें आ जाती है, ठीक है। तो ये सारे कोर्सेज दिए गए हैं और ये उनकी टाइमिंग दी गई है, ठीक है। तो ओवरऑल 7 कोर्सेज जो है वो आप लोगों को ई रोज़गार आप लोगों को ऑफर दे रहा है कि आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या इन लोगों का, ठीक है। अब यहाँ कह रहे हैं 16 ईयर ऑफ एजुकेशन, बाकी जो और प्रोग्राम है नेफ्टे उसमें मैट्रिक मांग रहे हैं, इसमें 16 ईयर ऑफ एजुकेशन मांग रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है, जो बच्चा नहीं ग्रेजुएशन, यानी कि आपका 10 में मैट्रिक होता है, 16 ईयर में आप लोगों को बैचलर्स होता है, यानी कि बैचलर्स वाला, यानी बैचलर्स ने कर लिया, इसको क्या ज़रूरत है बड़ी कोर्सेज करने की, खुद सोचे बंदा। तो खैर, इन लोगों की पॉलिसी पंजाब की लिखा हुआ भी देखें, पंजाब डोमिसाइल CNIC, आपके पास पंजाब डोमिसाइल CNIC होना चाहिए तब आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया, और एज होनी चाहिए लेस दैन इक्वल टू 35 ईयर्स, ठीक है। तो लेस दैन 35 होनी चाहिए आप लोगों की एज, 35 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, और अनएम्प्लॉय हो आप, ठीक है। एम्प्लॉय नहीं हो, एम्प्लॉय होंगे तो डेफिनेटली आप ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले सकते, तो इसलिए मैंशन कर दिया अनएम्प्लॉय। अगर आप लोग एम्प्लॉय हैं और एम्प्लॉय मार्क करते हैं तो आप लोगों का एडमिशन नहीं होगा, चाहे आप लोग टेस्ट पास कर लें, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन आप लोग सही होनी चाहिए, मतलब आपको कोई आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो सकती है। कुछ भी पूछना हो तो आप लोगों को ये ट्विटर का लिंक दिया गया, आप जाके इस पर देख सकते हैं, और नंबर भी दिया गया, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया ईमेल। अब जब मैं इस लिंक पर क्लिक करूँगा तो मैं आप लोगों को दिखा दूँ, इस लिंक पर करने के बाद देख सकते हैं आप लोगों को कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा यहाँ पर, आप देख सकते हैं, ठीक है। PITB पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड, ठीक है। तो सारी चीज़ें वो आप लोगों की वेरीफाई करेगी, ठीक है। इसमें तो एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा ये किसी भी स्टेज में आप लोगों का कोई डॉक्यूमेंट्स मिसिंग होता है या फेक होता है तो आप लोगों का जो फॉर्म है वो आप लोगों का कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लेते हैं क्या है, वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों को यहाँ इस वाले पॉइंट पे कि ये आप लोगों को कोई भी जॉब ऑफर नहीं कर रहा, ये सिर्फ आप लोगों को एक ट्रेनिंग प्रोग्राम दे रहा है जिससे आप अपनी जो है वो स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं, उसके अलावा आप लोगों को फ्यूचर में कोई जॉब नहीं देगा ये, ठीक है। बस आप लोगों को इसलिए कोर्स करवा रहे ताकि आप लोगों के जो स्किल्स है IT स्किल्स कह लें या सॉफ्टवेयर स्किल कह लें आप लोगों की वो इन्हेंस हो जाए, बस ये इनका मकसद है, कुछ नहीं है, ठीक है। अब ये आप ये कोर्स कर लेंगे तो आप लोगों को एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा ऐसा प्रॉपर, ठीक है। और ड्यूरेशन क्या है इसका, 50 लेक्चर्स होंगे, ठीक है, टोटल 50 लेक्चर्स होंगे। लिखा हुआ भी है कुछ आगे पीछे भी हो सकते हैं, ठीक है, विदाउट एनी रीज़न आपको बताया बगैर कुछ आगे पीछे भी हो सकते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा वीक भी जा सकता है या उससे कम भी हो सकता है, ठीक है। सबमिशन एप्लीकेशन देता हूँ गारंटी टाइप, ठीक है। अगर आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप लोगों को सक्सेसफुली आप लोगों को एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन बहुत आई भी होती हैं। मैनेजमेंट के पास एक्सेस है कि आप लोगों का जो
एडमिशन वो किसी भी वक्त भी कैंसिल कर सकते हैं, वो उनके हाथ में है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो शॉर्टलिस्ट होंगे, ठीक है, लोगों को, ठीक है, जो शॉर्टलिस्ट स्टूडेंट होंगे इन लोगों ने अगर फॉर्म में सेलेक्ट किया है फिज़िकल या ऑनलाइन, तो अगर फिज़िकल सेलेक्ट किया तो लोगों ने वहाँ आना होगा। उसके अलावा ऑप्शन दिया गया है कि अगर मैनेजमेंट चाहे तो उसके पास राइट्स हैं, वो बाद में भी चेंज करवा सकता है। डिपेंड करता है कि सीट्स कितनी है और उसके टेस्ट में मार्क्स इतने हैं, सब कुछ डिपेंड करता है। अगर आप लोगों ने चेंज करवाना हो, या लेट सपोज आपने ऑनलाइन अप्लाई किया नहीं, आप लोगों ने जाना फिजिकल, तो डिपेंड करता है कि सीट्स हैं नहीं है, तो वो डिपेंड करता है। उसका बोले नो स्टिपेंड विल बी पेड टू द कैंडिडेट, ठीक है। ये फ्री ट्रेनिंग है, कोई भी आपको स्टिपेंड वगैरह नहीं मिलेगी इसके अंदर, कोई भी पैसे वगैरह नहीं मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है। यू अप्लाई करते हैं तो आप लोगों को कोई भी कन्वेंस या ट्रांसपोर्ट नहीं दी जाएगी, आप लोगों ने खुद आना होगा, ठीक है। और कैंडिडेट ने अगर फिज़िकल अप्लाई किया तो आप लोगों ने ट्रेनिंग हॉर्स में, यानी कि ट्रेनिंग हॉर्स लेने हैं पूरे, यानी कि फिज़िकल क्लासेस होगी तो आप लोगों ने पूरी वो अटेंड करने हैं, ठीक है। और जो ऑनलाइन स्टूडेंट है वो ये कह रहे हैं कि एक कंटेंट जो है कॉपीराइट ऑफ ई रोज़गार के, तो ये कंटेंट कभी नहीं आना चाहिए। अगर ये कंटेंट बाहर गया तो फिर आप लोग जो है वो कोर्स से आउट हो जाएंगे, ठीक है। विदाउट इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑनलाइन अटेंडेंस क्लासेस रूल्स एंड रेगुलेशन भी फॉलो, ठीक है। जो क्लासेस में आपकी ऑनलाइन जो भी रूल्स होंगे वो आपने फॉलो करने होंगे, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशन दी में आप पढ़ लीजिएगा, ये मैंने आपको पूरा समझा दिया है, ठीक है। ये तो होगा टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है। फॉर्म खुला हुआ है, टर्म्स कंडीशन में आपने करना है क्या, सिंपल आपने अपना CNIC डालना है, वही CNIC आपने यहाँ पर दोबारा डाल लेना है, ठीक है। डाल लेंगे यहाँ पे आकर अपने एग्री करना है और करने के बाद नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो आप देखें मेरे पास रेड कलर का आ गया लिखा हुआ है, यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन यूज़ वगैरह, मैंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। प्लस चेक योर ईमेल फॉर क्रेडेंशियल फॉर ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है। अगर आप लोगों ने पहले से ऑलरेडी फॉर्म फिल किया हुआ है तो आप अपनी ईमेल में जहाँ लिखा है ई रोज़गार, आप लोगों का सारी ईमेल आ जाएगी जो आप लोगों को फर्स्ट टाइम आई थी, वो आपने वहाँ पर लिंक दिया गया होगा, उस पर क्लिक करना है, आप लोगों का LMS जो भी है आप लोगों का ओपन हो जाएगा पोर्टल, उस पर जाकर अपना NIC पासवर्ड डालें और आपका ओपन हो जाएगा। लेकिन जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम अप्लाई करा तो उन लोगों ने करना, फिर करने के बाद को ईमेल आएगी, ईमेल पर आएगा पासवर्ड ID आएगी, उसमें लॉगिन कर लेना, ठीक है। ये इस तरीके से हो गया, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये लिंक ईमेल आएगी, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को मिल जाएगा पोर्टल, ठीक है। ये देखिए उसमें अपना CNIC डालना है, पासवर्ड डालना है, साइन इन करना है, ये हो जाएगा। अगर आप लोग पासवर्ड भूल गए, वैसे मैं आप ईमेल में आप लोगों को पासवर्ड लिखा हुआ होगा तो आप करते हैं फॉरगेट पासवर्ड, तो आप लोगों का पासवर्ड भी रीसेट हो जाएगा। लॉगिन कर लिया मैंने, लॉगिन करने के बाद क्या आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है, ये पढ़ ले, इतना है नहीं कुछ भी ज़रूरी, ठीक है। अब वही कह रहे हैं कि अगर आप लोग नोटिस दिया हुआ है पढ़ने कैलकुलेटर डिस्टेंस फ्रॉम योर रेजिस्टेंट टू नियरेस्ट ई रोजगार सेंटर, ठीक है। जहाँ भी जो भी आपके रहायशों से आप देख के आसपास जो आपके नियरेस्ट ई रोजगार सेंटर है वही आप सेलेक्ट कीजिएगा इसके अंदर, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि आप लोग जो भी आप लोग सेंटर सेलेक्ट करते हैं बाद में चेंज नहीं होगा, तो प्लीज़ मेक श्योर जो डिसीजन वाइसली, ठीक है, सोच समझ के आप कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आगे ट्रेनिंग मोड देख लें, फिजिकल लेना चाह रहे हैं या ऑनलाइन लेना चाह रहे हैं, ठीक है। मेरा तो वैसे भी नहीं हो पाएगा, आप देख लें, अगर आप फ्री हैं तो फिजिकल लेने को, फिजिकल की ज़्यादा अच्छा रहता है, आप क्या पढ़ते हैं टाइम देते हैं, ऑनलाइन में वो बात नहीं आती, ठीक है। लेकिन अगर आप दूर हैं, मजबूर हैं जो है वो मजबूर हैं ऑनलाइन की तरफ जाएँ, ठीक है। तो लेट सपोज मैं ऑनलाइन मैंने चूज़ कर लिया, ठीक है, फिजिकल का फ़ायदा नहीं है, फिजिकल का मैं चूज़ करता हूँ, देखें अच्छा, ठीक है, मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं सिर्फ चेक करता हूँ फिज़िकल में कोई सेंटर वगैरह शो कर रहा है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ डिस्ट्रिक्ट, देखिए अगर आप फिज़िकल करते हैं तो देखिए आप लोगों को यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, ये देखिए। तो लेट सपोज अगर मैं यहाँ पर सेंटर करना चाह रहा हूँ मुजफ्फरगढ़, तो आप देखें यहाँ पर प्लीज़ सेलेक्ट, यहाँ पर सिर्फ एक इंस्टीट्यूट आ रहा है। जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पर देखें यहाँ लिखा हुआ है सिर्फ इस इंस्टीट्यूट में ये वाला कोर्सेस हो रहा है, उसकी टाइमिंग है ये। तो आप इस तरीके से जाके जो है सारे चेक कर सकते हैं। मैं आप लोग को एक और दिखा देता हूँ, लेट सपोज़ मुझे इसमें कोई सारे शेखपुरा नहीं ओकरा देख लेते हैं, ठीक है। मैंने क्लिक किया, यहाँ पे क्या आ रहा है, गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज फॉर बॉयज़ ओकरा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे दो शिफ्ट्स हैं, एक में कंटेंट मार्केटिंग और एक में क्रिएटिव डिज़ाइनिंग, टाइमिंग ये है। तो इस तरीके से आप लोग सारे चेक कर लेने, टाइमिंग वगैरह भी देख लेनी है, कोर्सेज भी देख लेने हैं, तो ठीक है। तो मेरे घर से इसमें जो है वो टाइमिंग का इश्यूज़ वगैरह आप लोगों को आएगा, तो मेरे घर से माइंड पॉसिबल है, बहुत कम ही स्टूडेंट्स हो जो फिजिकल अप्लाई करें, थोड़ी ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग फिजिकल ट्रेनिंग जाके चेक कर सकते हैं, इस पर सेलेक्ट करेंगे, ये कोर्सेज लेंगे, सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर जाके आप सेव एंड एक्सट कर देंगे। क्योंकि मैंने ऑनलाइन अप्लाई करना है तो मैं ऑनलाइन सेलेक्ट करूँगा। अब ऑनलाइन में देख लेते हैं क्या सीन है। अच्छा, ऑनलाइन में क्या है, अच्छा ठीक है, फिजिकल ट्रेनिंग और सेंटर, ठीक है। ऑनलाइन में क्या, ऑनलाइन में भी कोई ऑप्शन मिला, चलो मैं फिर जो है वो लाहौर सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्या करें, मशहूर शहर जो है वो कर लेते हैं लाहौर, प्लीज़ सेलेक्ट सेंटर, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो आप लोगों का सिर्फ ऑनलाइन ट्रेनिंग लिखा हुआ आएगा, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ ऑनलाइन ट्रेनिंग सेलेक्ट किया था,
ठीक है, तो मैं लेट सपोज मैं जो है वो लाहौर ही कर लेता हूँ, ठीक है लाहौर कर लेता हूँ, सिलेक्ट सेंटर ऑनलाइन कर लूँगा मैं, ठीक है। जैसे ही मैंने ऑनलाइन सेंटर सेलेक्ट किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास सारी डिटेल आ गई सारे कोर्सेज की, ठीक है। जैसे बात ऑनलाइन है तो ऑनलाइन में आपके पास सारे कोर्सेज आएंगे और सबके टाइमिंग जो है वो यहाँ आपको शो हो रही है, और सारे सेशन जो है आपके मॉर्निंग में वो ऑनलाइन होंगे, ठीक है। देख लें आप लोग सवारा फिर से वही टाइमिंग दी गई है यहाँ पर सारी, और यहाँ पर आप लोगों को कोर्सेज का नाम दिया गया है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, लेट सपोज आपने कौन सा कोर्स लेना है। अब देखें यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ कोर्सेज में, मैंने क्लिक किया टेक्निकल, ठीक है। यहाँ पे देखें लिखा हुआ आगे टेक्निकल में क्या पढ़ाएंगे आपको, PHP, जावा, वेब डिज़ाइनिंग, HTML5, बट रिस्पॉन्सिबल HTML, MySQL, डोमेन एंड होस्टिंग, ठीक है। सिंपल जो पूरा पैकेज होता है बेसिक HTML, जावा, उसके PHP, वो आप लोग को पूरा सिखाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब से मैं कॉन्टेंट मार्केटिंग पर क्लिक करता हूँ, तो आप देखें यहाँ पर देखें सारी चीज़ें आ रही हैं, कंटेंट मार्केटिंग में मार्केटिंग डाटा एंट्री ब्लॉगिंग, ये अच्छा कोर्स लगा रहा मुझे मेरे लास्ट से, ठीक है। ये हो गया, उसके अलावा क्रिएटिव डिज़ाइनिंग में क्या आगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग, आप देखिए क्या इसका ग्राफिक डिज़ाइनिंग, लोगो डिज़ाइनिंग, UI UX ग्राफिक डिज़ाइन जिसको सीखनी है वो बेहतरीन उसके लिए, ठीक है। आप यहाँ आ जाएँ ई कॉमर्स में मेरा इंटरेस्ट है, देख लेते उसमें क्या सिखा रहे हैं। ई कॉमर्स में आपको शॉपिफाई स्टोर बिल्ड करना सिखाया, आप लोगों को सिखाना, और ड्रॉप शिपिंग किस तरीके से आप लोग कर सकते हैं बाय यूजिंग फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड शॉपिफाई स्टोर, तो ये भी एक अच्छा है, और अपना फिजिकल शॉप भी बना सकते हैं, तो ये आपको सिखा रहे हैं, ये भी अच्छा है जो अपना ऑनलाइन ई कॉमर्स सेटअप करना चाह रहे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा सोशल मीडिया मार्केटिंग में कुछ शो नहीं किया हुआ, लेकिन ये भी करना है, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, सारी चीज़ें आ जाती है, ट्विटर एड्स, लिंक्डइन एड्स, टिकटॉक एड्स भी इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। UI UX डिज़ाइनिंग में क्या है, इसमें भी कुछ शो नहीं कर रहा, और मोबाइल डेवलपमेंट में भी कुछ शो नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसका कोर्स लेंट जो यहाँ पर शो नहीं कर रहा, बाकी सब लोगों का कोर्स ऑनलाइन शो कर लिया है, ठीक है। वैसे तो एडमिशन तो मिलना मुश्किल है, तो फिलहाल मुझे क्या सिलेक्ट करना चाहिए, मुझे ई कॉमर्स में इंटरेस्ट है और कॉन्टेंट मार्केटिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ई कॉमर्स, ठीक है। मैं ई कॉमर्स सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर आप लोगों ने एक नोट फिल करना होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, जितना मुश्किल नहीं है, ठीक है। बाय शुड 20 लाख यू फॉर दिस कोर्स ट्रैक ट्रेनिंग, ये पूछना चाह रहा है कि आप कि हम आपको क्यों सिलेक्ट करें जो आप कोर्सेस लेना चाह रहे हैं, तो आपने कोई भी अपनी कहानी यहाँ लिख देनी है, तो मैंने लिखी हुई है, ठीक है। सिंपल मैं यूँ करूँगा, उसके अलावा यहाँ पे आ गए, मैं सेव एंड एग्जिट पे, सॉरी सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो आप देखें यहाँ मेरा नाम लिखा हुआ आ गया, ठीक है। और वेलकम मुझे लिखा हुआ है, मिनिमम टेस्ट टाइम 3 और मिनिमम टाइम 3 मिनट, ठीक है। यहाँ पर टेस्ट भी दिया गया है, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, ये तो हो गया आपको अप्लाई करने का तरीका, और टेस्ट में अप्लाई करने इसके एप्टीट्यूड वगैरह का वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद करें लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों शेयर कीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ये दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।